राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, आपको तीन कीज दिए होंगे, RBNG स्मॉल में, और आपके पास तीन गेट्स होंगे, राइट? आपको क्या करना है, आपको और काइंड ऑफ ये एक हॉल है, इस हॉल में तीन गेट हैं RBNG और तीन कीज है कहीं कहीं पर गिरे हुए, ठीक है? आपको अगर इस कलर का गेट खोलना है तो आपको इस कलर का की चाहिए, इस कलर का गेट खोलना है इस कलर का की चाहिए, इस कलर का गेट खोलना है इस कलर का की चाहिए, ठीक है? तो आपको बताना है कि आप इस हॉल के स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप जा पा रहे हो तो आपको रिटर्न करना है यस, अगर आप इस स्टार्टिंग से एंड तक नहीं जा पा रहे हो तो आपको प्रिंट कराना है नो। वेल, आप स्टार्टिंग से एंड तक कब नहीं जा पाओगे, जब आपको वो गेट मिल जाए जिसका की अभी तक आपके पास नहीं है तो आप उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास जो गेट मिला है उसका की आपके पास ऑलरेडी है, राइट, तो आप उस गेट को खोल के आगे चल जाओगे। अगर आपके पास की नहीं है तो आप उसको पार नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। मैंने इसको हैश मैप बनाया, सबसे पहले तो कीज का हैश मैप बना दिया मैंने, मैप ऑफ स्मॉल आर, मैप ऑफ कैपिटल आर, सॉरी सॉरी स्मॉल बी, मैप ऑफ स्मॉल जी। ये इससे मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि मुझे वो की अभी तक मिला है कि नहीं। सबको इनिशियली तो मुझे कोई भी की नहीं मिला हुआ, तो इनिशियली सबका वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ फॉल्स से, ठीक है? अब जब जब मुझे कोई की मिलते जाएगा तो मैं उसको ट्रू करते जाऊंगा, और जब जब मुझे कोई गेट मिलते जाएगा मैं चेक करूंगा कि मुझे अभी तक उसका की मिला है कि नहीं। अगर मिल गया होगा तो मैं पार कर जाऊंगा, और अगर अभी तक नहीं मिला होगा वो की तो मैं वहां से मतलब नो प्रिंट करा दूंगा। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले गया हमें स्मॉल आर मिला, मतलब ये वाला की मिल गया, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, ये की हमें मिल चुका है। फिर हमें जी वाला की मिला, फिर इसको हम ट्रू कर देते हैं। फिर हमें बी वाला की मिला, फिर हम इसको ट्रू कर देते हैं। फिर हमें गेट मिला बी, बी का की है हमारे पास, आगे बढ़ गए इस गेट को खोल के। फिर हमें जी वाला गेट मिला, इसका भी की है, आगे बढ़ गए। फिर हमें जी वाला मिला, इसका भी हमारे पास की है, तो हम इसको खोल के आगे बढ़ गए। सो यस, वी कैन क्रॉस द हॉल। और फिर आगे चलते हैं, इस वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल पे सबसे पहले आपको रेड कलर का की मिला, ठीक है, आपने गेट आपने की स्टोर कर लिया अपना। आपको फिर ग्रीन कलर का की मिला, आपने उसको स्टोर कर लिया। फिर आपको रेड कलर का गेट मिला, रेड कलर का गेट आपको मिला, तो आपके पास रेड कलर का तो की है, आप इसको खोल के आगे बढ़ गए। फिर आपको ग्रीन कलर का गेट मिला, ठीक है, तो आपने ग्रीन कलर का गेट को भी खोल दिया, ग्रीन कलर का गेट को भी आपने खोल दिया। फिर आपको मिला ब्लू कलर का गेट, पर अभी तक आपको ब्लू कलर का की तो मिला ही नहीं है, इसका वैल्यू अभी भी फॉल्स है। तो यहाँ से आप ब्रेक कर जाओगे, और जो भी आपका वेरिएबल होगा, फ्लैग होगा या फिर जो भी होगा, आप उसको वहां से फॉल्स कर देना, और फिर वहां से आउटपुट करा देना कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रॉस द हॉल। तो इसी को मैं अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इसके लिए चलते हैं हम मेरे कोड पे, राइट? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से कोड दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है, स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है, और उसके बाद मैंने एक मैप डिजाइन कर दिया है जिसमें सभी की का वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है विथ फॉल्स, ठीक है? अब अगर मुझे जो कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर मिल रहे हैं, कैपिटल लेटर मिल रहे हैं, तो मतलब कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल जी, कुछ इस टाइप का मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गेट है। तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा कि क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास की है। तो अगर है तो सही बात है, और अगर वो की नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसका मैप मेरे फॉल्स हो जाएगा। और ये जो चीज मैंने किया उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस ऑफ आई मतलब ये कैरेक्टर मान लो आर है, माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा कि मतलब ये आर ए से कितना आ गया। जैसे कि मान लो कैपिटल बी माइनस कैपिटल ए, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, कैपिटल सी माइनस कैपिटल ए, मतलब एस की वैल्यूज में सारा खेल हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2, ठीक है? तो इस तरीके से खेल चल रहा है। और इसमें जब मैं स्मॉल कैरेक्टर ए ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा सी स्मॉल कैरेक्टर में, ठीक है? तो ये हो जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। अगर अभी तक नहीं आते तो मुझे उम्मीद है इससे समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं या फिर हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स पे जा सकते हैं। उधर हमने ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन से
भी डील किया है तो आपको सब कुछ का आइडिया मिल जाएगा वहां से, राइट। और अगर वो गेट है, और ये भी चीज आपको पता होगा कि ये जो स्मॉल कैरेक्टर्स होते हैं उनका एस्की वैल्यू लार्ज कैरेक्टर से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि अगर वो गेट है और अभी तक उसका की नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना फ्लैग जो है आंसर उसको फॉल्स कर लूंगा और यहाँ से लूप ब्रेक कर दूंगा। एल्स क्या है, अगर वो स्मॉल कैरेक्टर है तो मैं उसका की को ट्रू कर दूंगा, मतलब कि मुझे वो की मिल चुका है, ठीक है। अगर इस चलते दौरान में कभी भी मेरा फ्लैग फॉल्स नहीं हुआ, इनिशियली मैंने इसको ट्रू से इनिशियलाइज किया था, अभी एंड तक भी आ गया मैं और अभी तक ये ट्रू ही रह गया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एंड तक जा सकता हूँ, राइट, एंड तक जा सकता हूँ मैं। और एल्स अगर ये फॉल्स हो गया तो मैं रिटर्न करा दूंगा नो बॉक्स। पहला आज का दूसरा सवाल, इसमें क्या है कि आपको एंटी फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करना है। फिबोनाची हम सब जानते हैं, ये एंटी फिबोनाची क्या होगा? वेल, फिबोनाची के बारे में बात कर लेते हैं, आपको वहीं से आइडिया मिल जाएगा। अगर तीन नंबर्स हैं, राइट, ai + ai + 1 इज नॉट इक्वल टू ai + 2, तो वो हो जाएगा एंटी फिबोनाची, क्योंकि फिबोनाची में तो इक्वल होता था, राइट। ये तीन अगर नंबर है तो ये शुरुआत के दो का सम तीसरे के इक्वल होता था, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये हो गया एंटी फिबोनाची, ठीक है। आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा एन, आपको उतने एंटी फिबोनाची नंबर्स सॉरी सीक्वेंस प्रिंट कराने हैं ऑफ लेंथ एन, ठीक है, और जो कि एन दिया हुआ होगा आपको, और आप उसके लिए नंबर यूज कर सकते हैं 1 से लेके n तक, बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका अपना है, तो मैंने क्या तरीका अपना है कि सबसे पहले तो मैंने सीक्वेंस को एक बार रिवर्स करके उसको प्रिंट करा दिया। जैसे कि मान लो एक मेरा सीक्वेंस हो गया 4 वाला, तो मैंने सबसे पहले एक बार सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया और उसको प्रिंट करा दिया, तो ये हो गया 4 3 2 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना कि पेयर वाइज स्वैप करते चलूंगा। अब पेयर वाइज स्वैप क्यों कर रहा हूँ, एक बार करता हूँ फिर आपको दिखेगा, 3 4 2 1, ठीक है। सबसे पहले ये फिबोनाची क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये टोटली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो दो बड़े का सम से आप कोई एक छोटा नंबर तो मिलेगा नहीं, राइट। और ये मैं पेयर वाइज स्वैप क्यों कर रहा हूँ, देखो पेयर वाइज स्वैप करने से क्या हुआ कि आपको इधर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो मिला, राइट, इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो मिला, पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1, और 1 तो हमारा सबसे एक्सट्रीम राइट एंड पे है, राइट। तो 1 तो कभी आपको पीछे मिलेगा नहीं, तो कभी भी आप ये दोनों का सम इसके इक्वल नहीं करा सकते, ठीक है। यहाँ पर तो फिर भी एक ही था, यहाँ पर तो फिर भी पीछे में कुछ नहीं था, अगर पीछे में कुछ होगा भी तो देखते कैसे चीजें टर्न आउट करेंगी। तो मैंने एक ये सीक्वेंस प्रिंट कराया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ अगले सीक्वेंस को स्वैप करता हूँ, ठीक है। और एक बार जो आपने स्वैप कर दिया ना 4 3 को 3 4 कर दिया, तो फिर से आप इसको रिवर्स कर देना, ठीक है, 4 3 2 1। अब हम इसको रिवर्स करेंगे, अब ये हो गया 2 3 1, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर अगेन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर तो मिल रहा है, पर यहां पर अगर आप देखो तो 2 में तो मुझे 1 जोड़ना होता तो ये 3 बनता, पर 1 तो मेरा राइट एंड में कोने में, ठीक है, तो 1 तो कभी मुझे लेफ्ट में मिलने वाला नहीं है, तो ये खत्म कहानी, कभी बन ही नहीं सकता फिबोनाची। आगे बढ़ते हैं और फिर से इस सीक्वेंस को मैं वापस रिवर्ट बैक कर दूंगा, जो ओरिजिनल मेरा रिवर्स किया हुआ था सीक्वेंस उसको, उस पर पहुंच जाऊंगा। ये अब मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा, 4 3 1 2, देन अगेन आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो गया, पर इसमें 1 में मुझे फिर से 1 ही जोड़ना पड़ता तो मुझे 2 मिलता, पर 1 तो भाई है ही नहीं, 1 तो अलग ही दुनिया में, राइट। तो बस हो गया, एक तो आपने रिवर्स करके प्रिंट करा दिया और फिर ऐसे करके आप चलते चलो, n-1 सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे, n-1 स्वैप्स आप कर सकते हो बेसिकली। अगर आपके पास n नंबर्स है 1 2 3 4 5, तो आप n-1 पेयर वाइज स्वैप कर सकते हो, एक इसका कर सकते हो, दूसरा इसका कर सकते हो, तीसरा इसका कर सकते हो, चौथा इसका कर सकते हो, 4 पेयर वाइज स्वैप आप कर सकते हो, और एक आपने रिवर्स करके प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो आपने टोटल n सीक्वेंस तो आपने प्रिंट करा दिया, बस यही है। एक बार ऑड वाले में भी आपको मैं ड्राई रन करवा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो एक बार इसको रिवर्स कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 5 3 2 1, ठीक है। एक बार इनको रिवर्स कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 4 2 1, यहाँ पर अगेन आप देखो इंक्रीजिंग बन रहा है, पर इस
में तो मुझे वन चाहिए इधर, तब जाके ये होगा फोर, और वन तो मेरा राइट एंड में बैठा है, तो फिर अगेन कुछ नहीं होना है, फिर मैं इन दोनों को स्वैप कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5 4 2 3 1, फिर मैं इन दोनों को स्वैप कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5 4 3 1 2, और ये हो गया आपका जितना भी रिक्वायरमेंट था, आपको 5 सीक्वेंस प्रिंट कराने थे, ये हो गया आपका पहला सीक्वेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया पांचवा सीक्वेंस, राइट। तो एन माइनस वन आपने पेयर वाइज स्वैप करके निकाल लिया, और एक तो आपने रिवर्स करके प्रिंट करा दिया। तो ये हमेशा पॉसिबल है, इन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है कि देर आर ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिंट एन डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस, भाई हम भी मानते हैं इस बात को। तो इसका कोड देख लेते एक बार जल्दी से, मैंने जो कोड लिखा है उससे आपको एक बार वॉक थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक वेक्टर बना लिया, राइट, और उसमें वन से लेके एन तक के सारे नंबर्स को मैंने इंसर्ट कर लिए। उसके बाद मैंने वेक्टर को रिवर्स कर लिया, राइट, क्योंकि सबसे पहले मुझे रिवर्स करके प्रिंट कराना है। उसके बाद जैसे ही मैंने रिवर्स किया, मैंने एक बार तो ये रिवर्स वाला ही सीक्वेंस प्रिंट करा दिया, ठीक है। और उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, उसके बाद से फिर मैंने जो आपको बोला था पेयर वाइज स्वैप का जो कहानी है वो मैं चालू रखूंगा, राइट। बस एक चीज आप भूलना नहीं कि आपने जो अभी पेयर वाइज स्वैप किया उसको रिवर्ट बैक भी आपको करना है, क्योंकि आप एक्चुअल में इसी सीक्वेंस में आप रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो पहला पेयर वाइज स्वैप आपने इस पे किया, तो ये हो गया 5 4 5 3 2 1, ठीक है। अगला आपको इसको पेयर वाइज स्वैप करना है, पर अभी आपने एरे को क्या कर दिया है 4 5, तो इसको फिर से आपको एक बार स्वैप करना पड़ेगा 5 4 3 2 1, तो ये वापस अपने एक्चुअल जो रिवर्स एरे था उस पे पहुंच जाएगा। फिर आप इस इन दोनों को आपस में स्वैप कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से चलते चलेंगे और आई को अपडेट करते चलेंगे जब तक एन माइनस माइनस है, राइट, क्योंकि एक सीक्वेंस हमने प्रिंट कर दिया था, तो एक बार पहले ही हमने एन को डिक्रीमेंट कर दिया, और जब तक एन रहेगा तब तक ये प्रिंट होते रहेगा, और जैसे एन खत्म हमारा काम खत्म, वापस लूप खत्म, वी आर बैक। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आज अपने आज के कोड फोर्सेस के एजुकेशन के क्वेश्चन सी पे, शिव काफी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक ऐसा ही आता है एजुकेशन का, सी सी टाइप का ही आता है। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, एक एरे दे देगा, ठीक है, और आपको क्या करना है ना, एक एफ ऑफ के एक फंक्शन देगा बेसिकली, जो कि है, अगर आप कोई भी एक सब एरे देते हो, कोई भी एनी सब एरे देते हो, एनी सब एरे देते हो, उसका राइट, मैक्सिमम सम, भैया ये क्या हो गया, तो के का फिर सिग्निफिकेंट क्या हुआ। देखो अगर आपका एक सब एरे ए दिया है, एफ अगर मान लो एफ ऑफ 3 निकाल रहे हो, ठीक है शुभ, तो आप एरे ए का कोई भी तीन नंबर को एक्स से इंक्रीज कर सकते हो, प्लस एक्स, एक्को एक्स क्वेश्चन में दे देगा। आप एरे ए का कोई भी तीन, अगर के 3 है, तो कोई भी तीन नंबर एक्स से इंक्रीज कर सकते हो, फिर आपको कोई भी एक सब एरे देना है जिसका सब मैक्सिमम है। मेरी बात समझ में है? तो के का सिग्निफिकेंस ये है कि आप कोई भी के वैल्यू को एक्स से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस, राइट। और एक्स भी हमें हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो शुभ देखिए, जैसे एग्जांपल इस क्वेश्चन में एन 4 है, तो एरे का साइज 4 है, 4 1 3 2 एरे है, और आपको के दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 2, ठीक है। तो के आपको के ऐसे इसी क्वेश्चन में के 0 से लेके एन तक का आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब पहला राइट, केस इतना, शुभ के 0 है मतलब आप किसी को भी इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आपका मैक्सिमम सब एरे का सम क्या हो सकता है, तो कॉमन सेंस से सारा इंटीजर पॉजिटिव है, तो पूरा एरे का ही समझ जाओ, तो कितना हो जाएगा शुभ, 5 6 10, राइट, आंसर हो जाएगा 10, और सही में देखो आंसर शुभ 10 ही है। के 1 है यस, मतलब किसी भी एक को इंक्रीज कर सकते हो, आप किसी को भी उठा के कर दो शुभ, किसी को भी कर दो, प्लस एक्स कर दो, तो ये 1 2 3 हो गया, और मैं सम में पूरा सब एरे ही दूंगा पूरा एरे को, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव कभी निगेटिव, तो ये हो जाएगा 10 2 12। अगेन के जब 2 होगा शुभ, तो आप किसी दो को कर सकते हो, कोई भी दो और एक को कर दो, 5 हो गया मान लो ये, तो अगेन सम हो जाएगा 14, और इस हिसाब से आप के 3 के 4 के कर दोगे, यू गेट योर आंसर, राइट। समझ में आ गया क्वेश्चन आई गेस? पर के तो हम 0 से 2 तक वेरी करा सकते हैं ना। नहीं शुभ, 0 से 2 नहीं, 0 से n तक, n4 है ना, के 3 देखो क्या होगा, के 3 कर दोगे तो आप कोई भी तीन इंटीजर को x से इंक्रीज कर सकते हो, तो मान लो अभी आप इसको भी कर अच्छा दिए। अच्छा सॉरी सॉरी, के इज द लेंथ, हाँ मतलब किसी को भी एक उठा के हम 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, किसी हाँ बस भी उतने को उठा के हम 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। क्लियर क्वेश्चन। तो ये यस, आपको आपको हर एक के लिए आंसर बताना है, आंसर क्या होगा, जो भी सब रहेगा मैक्सिमम वैल्यू होगा आफ्टर डूइंग द नेसेसरी चेंज, ठीक है। तो ये इसमें तो यस सोचने का चीज था नहीं, क्योंकि इसमें जो ये सबसे बड़ा आ रहा है सब मैक्सिमम था, तो
पता चल रहा है कि 10 ने हमेशा इसी में से किसको बढ़ाते रहो, दो दो, तो आपको वो 10, 12, 14, 16, 18 हमेशा दो दो से बढ़ जाएगा। या तो कैसे करें भैया, अगर सारा इंडिजर पॉजिटिव है तो समझ में आ रहा है, सबको ऐड कर दो, वही सबसे बिगेस्ट आ रहे हैं, एंड देन टू टू सब में जो भी एक्स एक्स ऐड करते हो। एनीवेज पर ये अप्रोच नहीं होगा, अप्रोच कैसे किया जाए तो देखो शुभ, बेसिकली व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मानो आपको एरे का साइज एन है, कोई एक एरे आपको दिया हुआ है और एफ ऑफ के आप निकालना है आपको, ठीक है। अब शुभ एफ ऑफ के क्या होगा एट एंड आंसर में, आंसर में आपको एक मैक्सिमम सम होगा कोई भी एक सब एरे का, कोई भी एक सब एरे का मैक्सिमम सम होगा। मान लो शुभ जो भी सब एरे आपका मैक्स जो इसका आंसर में जो भी सब एरे होगा मान लो उसका लेंथ मान लो एल हुआ, ठीक है। और शुभ एल क्या है ना, एल अगर लेट्स से के से बड़ा है भैया बराबर है, मतलब इसका आंसर का जो भी सब एरे एफ ऑफ के आंसर मान लो 20 है और आप यू हैव टेकन अ सब एरे ऑफ लेंथ 5 मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। और के आपका दिया है क्वेश्चन में शुभ 4, ठीक है। के yes. आपको दिया है 4, मतलब के अभी 4 की जब निकाल रहे हो उसका मतलब क्या है, कोई भी आप जब 5 एलिमेंट है किसी भी 4 एलिमेंट को एक्स से इंक्रीज करना चाहिए आपको मैक्सिमम आंसर के लिए, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज तो कर नहीं रहे, आपका आंसर मैक्सिमाइज करना है शिफ्ट। तो ये गारंटी है कि इसी 5 एलिमेंट में जो आपका आंसर का पार्ट है उसमें से कोई 4 एलिमेंट को आपको इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज यू हैव एन एडवांटेज, राइट। यस, और किसी को इंक्रीज करके क्या फायदा होगा, जो आप यार उसी को इंक्रीज करोगे बिकॉज आपको सम को मैक्सिमाइज करना है आपका आंसर को, है ना। अगर कैसे बड़ा हुआ तो मतलब मैं बोल सकता हूँ शुभ अगर एल के से बड़ा हुआ तो आई कैन टेक एनी सब एरे, अगर एल के से बड़ा हुआ तो बस उसमें आंसर में हो जाएगा, तो उस सब एरे का पहले सम था, पहले जो सम था प्लस के टाइम्स एक्स, यस, है ना। क्योंकि आप आपका एरे आपके एलिमेंट को इंक्रीज कर सकते थे, सिंस एल के से बड़ा है तो आप आराम से सम प्लस के एक्स कर सकते हो, सम क्या जो पहले था विदाउट एनी चेंज। अच्छा, क्योंकि एल के से छोटा हुआ तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तब आप बोलोगे जो सम था पहले वो होगा ही प्लस एल एक्स, यस, ये आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो, राइट, ठीक है। यस, तो भैया अब क्या करें, तो मैं तो सब बता ही दिया आपको कि सम पहले जो भी होगा, अब देखो कैसे देखेंगे, मान लो देखो आप कुछ ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ वी वांट, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ वी वांट, एक बार पेशेंट के समझ में आ जाएगा। मान लो शुभ आपका दिया हुआ है -1, 3, 2, मान लो आपको एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करना शुभ को लेंथ के बेसिस पे सब चीज निकालने, तो मान लो जब लेंथ जीरो है, सब एरे का लेंथ जीरो है, तो मैक्सिमम सम क्या है, लेंथ जीरो का सब एरे का मैक्सिमम सम क्या है, जीरो, लेंथ जीरो का कोई सब एरे ही नहीं है। अच्छा, लेंथ वन सब एरे, वन लेंथ का सब एरे कितना है, शुभ 3 है, -1, 3 और 2, लेंथ वन का 3 सब एरे है, उसमें मैक्सिमम सम क्या है, 3, 3, लेंथ टू का शुभ कितना सब एरे है, -1, 3 और 3, 2, 2 सब एरे है, एंड मैक्सिमम सम क्या है, 5, 5, लेंथ 3 का एक ही सब एरे है, मैक्सिमम सम क्या होगा, एक ही होगा 4, ठीक है। और शुभ मैं ये क्यों किया, क्यों किया देखो, क्योंकि एट द एंड आपको वही सब एरे से मतलब है जिसका सब मैक्सिमम हो उस लेंथ का, उस एक पर्टिकुलर लेंथ पे आपको वही सब एरे चीज का सब मैक्सिमम हो, तो बाकी सब एरे क्यों देखोगे। और ये चीज आप एन स्क्वायर में निकाल सकते हो आराम से, मतलब कुछ आप लगा के हर एक लेंथ का सब एरे में ट्रैवल कर सकते हैं, उस लेंथ के लिए मैक्सिमम सम निकाल सकते हो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड, स्लाइडिंग विंडो कर ही सकते हो जैसे भी निकालोगे, ये तो ये निकाली तो शुभ क्वेश्चन सिंपल हो गया, अब आपको सॉल्व करना है के जीरो से 3 तक, एन 3 है तो के जीरो है शुभ, ठीक है। के जीरो मतलब आप कोई भी एलिमेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आप कौन सा लोगे जो मैक्सिमम सम है किसका, ये 5, आंसर हो जाएगा 5, एनी सब के जीरो मतलब जीरो लेंथ का सब एरे नहीं देना है, कोई भी सब एरे देना है बट इंक्रीमेंट जीरो एलिमेंट को करना है, राइट, 5, यस, क्योंकि के 1 है, ठीक है। आप कोई भी सब एरे दे सकते हो, अगर आप जीरो लेंथ का सब एरे लोगे, अगर आप जीरो लेंथ का सब एरे लोगे तो आपका आंसर क्या होगा शुभ, 0, 0, अगर आप 1 लेंथ का सब एरे लोगे तो आपका आंसर बेस्ट आंसर क्या होगा, मैक्सिमम सम 3 प्लस एक एलिमेंट को इंक्रीज कर सकते हो, के 1 है, K1 है, तो एक एलिमेंट को इंक्रीज कर सकते हो, तो आपका एक्स मान लो शुभ 2 है, मान लो तो 3 + 2, 5, राइट। अगर शुभ के ये 2 आया, अब मैक्सिमम लेंथ अगर आप 2 ले सकते हो, पर आप इंक्रीज अभी भी एक ही कर सकते हो, ये एंडर जो मैं आपको बताया था, इंक्रीज अभी भी आप एक ही कर सकते हो, सारा नहीं कर सकते, राइट। तो शुभ इधर क्या हो सकता है, इसके केस में 5 एलिमेंट को पकड़ के इंक्रीज कर देंगे, 7, इस केस में 4 + 2, 6, तो अब चारों में बेस्ट आंसर क्या है शुभ, 7, 7। अब अगेन के अगर 2 हुआ शुभ तब क्या करोगे, अगेन आप सब में ट्रैवल करोगे, देखोगे अगर लेंथ 0 का है तो 0, लेंथ अगर 1 है शुभ, अगर एलिमेंट ही 1 है तो इंक्रीज 2 को कर ही नहीं सकते,
इंक्रीज एक ही कर सकते हो, थ्री प्लस टू अगेन फाइव, एलिमेंट दो है तो हम इंक्रीज दो को कर सकते हो, तो सिर्फ फाइव प्लस टू इंटू टू फोर नाइन, अगर एलिमेंट तीन है पर इंक्रीज अभी भी दो ही को कर सकते हैं, शिव एलिमेंट भले तीन हो तो क्या हो गया, एलिमेंट तो मैक्सिमम दो ही को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि के टू है, तो फोर प्लस टू इंटू टू फोर एट, आंसर क्या होगा शिव नाइन, राइट। एंड लास्ट केस की अगर थ्री है शिव तो अगर आप इधर जाओगे इस केस में जीरो ही रहेगा क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है, इस केस में जाओगे तो एक एलिमेंट है उसको इंक्रीज कर दो एक ही कर सकते हो थ्री प्लस टू फाइव, इस केस में दो एलिमेंट है आपको तीन अलाउड है तो करो दोनों को नाइन, इस केस में शिव तीन है आपको तीन अलाउड भी है तो कर सकते हो फोर प्लस सिक्स टेन, शिव आंसर क्या हो जाएगा टेन। तो मैं क्या बात किया, मैं यही बात किया कि मैं हर एक लेंथ पे ट्रेवल करूंगा एंड उस लेंथ पे बेस्ट एरे निकालूंगा और उस लेंथ पे जो बेस्ट एरे है उसको अकॉर्डिंगली इंक्रीज कितना कर सकते हैं मैं कर दूंगा, हर एक लेंथ का बेस्ट एवर निकालेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है शिव एन स्क्वायर, एन स्क्वायर निकाल सकता हूं ठीक है बाय स्लाइडिंग विंडो, वो मैं निकालूंगा एन स्क्वायर से, उसके बाद मेरे को हर एक आंसर निकालना है तो के जीरो से एन तक वेरी करके एक रूप चलेगा के जीरो से एन तक, राइट। एंड हर एक लिए मेरे को ये एरे में ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये एरे का लेंथ कितना है, मैक्सिमम लेंथ कितना पॉसिबल है, एन टोटल एलिमेंट है मैक्सिमम लेंथ ही एन पॉसिबल है और हर लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आंसर मेरे को पता है, तो हर बार मैं एन ट्रेवल करूंगा राइट, एंड एन अकॉर्डिंगली अगर लेंथ छोटा है के से तो लेंथ एल एक्स इंक्रीज करूंगा जो मैं आपको बताया इधर अभी, अगर लेंथ बड़ा है तो के एक्स इंक्रीज कर दूंगा एंड आई कैन चेक विच इज द मैक्सिमम, किस केस में मैक्सिमम आंसर आ रहा है, और जबकि शुभ ये ट्रेवल से एन लगेगा अगेन जीरो से एन अंदर में एन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, इधर एन स्क्वायर इधर एन स्क्वायर, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आपका एन स्क्वायर में हो गया, एन 5000 दिया हुआ था, ये आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल प्रोसेस, बस इतना ही समझना था, बस ये कन्फ्यूजन मेरे को बार बार जो हो रहा था कि के टाइम्स मतलब के टू है तो दो लेंथ का सबर है लेना, नहीं के टू है मतलब आप सबर है कोई भी हो बस दो एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर सकते हो, और ये कोई भी आदमी शुभ बोल सकता है एक्सेंस आपको इंक्रीमेंट करना है आप हमेशा वही एलिमेंट को इंक्रीमेंट करोगे जो सबर आप ले रहे हो फॉर मैक्सिमम गेन, तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी, फिर हम आराम से समझ गए कि कैसे करना चाहिए इंक्रीमेंट, और सम तो शुभ फिक्स है, देखिए हम जो फॉर्मुला निकाले उसमें सम तो फिक्स है, इसको पहले से निकाल लिया जाए तो हम हर एक लेंथ की, और सिंस सम लेंथ पे डिपेंड कर रहा था तो हम हर एक लेंथ के सम निकालिए, हर एक लेंथ के बेस्ट सम क्या पॉसिबिलिटी है वो निकालिए, देन वी कैन इंटरेट एंड चेक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हिच इज द बेस्ट आंसर, आई थिंक एक क्लियर है, कोड देख लेते हैं बेटर समझ में आएगा, मैक्सिमम सबेरे सम या कैडेंस एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया अपने सीट में तो उससे भी शायद आपको थोड़ा हेल्प मिले, ये सब तरीके स्लाइडिंग विंडो ये सब फॉलो किए तो आप ये सब रिलेट कर पाओगे, स्लाइडिंग विंडो वगैरह सब हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से, राइट। तो शुभ देखिए मैं क्या किया इधर आगे इनपुट दे आऊँ और फिर एक एरे बनाया हूँ वेक्टर इंड आंसर, मतलब इसमें स्टोर होगा हर एक लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग बेस्ट आंसर क्या है मैक्सिमम पॉसिबल सब एरे का, और इंट मीन से इनिशियलाइज कर दिया तो इनिशियल और मिनिमम है, एंड अगर जीरो लेंथ का एरे शुभ उसको सम जीरो है, यस अदन शुभ में आई जीरो से ट्रेवल किया और जे है आई मतलब ऐसे मान लो आप टू माइनस वन थ्री ऐसे है तो उधर में ट्रेवल किया टू से राइट, और मैं जे फिर में टू से स्टार्ट होगा शुभ तो इनिशियल सम क्या है टू, और इसका एरे का लेंथ क्या शुभ जे माइनस आई प्लस वन, जे माइनस आई प्लस वन, इसमें आपको स्टोर कर दोगे मैक्सिमम उसमें जो था कॉमा ए टेम्परेचर राइट, उसका शुभ टेम्प क्या हो जाएगा टेम्प आ गया टू माइनस वन वन हो जाएगा, अभी लेंथ क्या हो गया टू जे इधर है आई इधर है तो टू लेंथ हो गया एंड टू लेंथ में अपडेट हो जाएगा शुभ अगेन वन, हमें करके दिखा देता हूँ देखो आंसर ऑफ वन शुभ इनिशियली हो जाएगा टू राइट, आंसर ऑफ टू हो जाएगा क्या अभी अब वन हो जाएगा राइट, और फिर आप आगे बढ़ोगे शिव इधर आओगे तो फिर ऐड करोगे थ्री तो ये हो जाएगा फोर, और आंसर ऑफ थ्री हो जाएगा शिव फोर क्योंकि इनिशियली सारा इंटमिन था, इनिशियली सारा इंटमिन था राइट ठीक है, अब फिर आप आगे आई इटरेट होगा आई अब कहाँ आएगा शिव तो इधर आएगा अब आई इधर आ जाएगा, नाउ यू स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर शिव ये माइनस वन और शिव लेंथ क्या है वन ही है जे माइनस आई प्लस वन आपका आई भी है जे भी है वन है तो वन में माइनस वन बेटर क्या है टू बेटर है टू ही रहने देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे थ्री पे आएंगे राइट, तो क्या होगा शुभ वन माइनस वन प्लस थ्री टू एवं टू का सो मैक्सिमम वन था इधर बेटर आंसर मिल जाए अपने को इसको कर देंगे ठीक है नहीं टू ना शुभ माइनस वन माइनस 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 ये इटरेशन खत्म लास्ट अब आई को इधर बढ़ा के इधर ला देंगे शुभ ठीक है अगेन थ्री इधर से इटरेशन शुरू कर देंगे तो ये हो गया थ्री एंड शुभ थ्री बेस्ट है मतलब वन एन का टू थ्री थ्री फिनिश हो गया, तो नाउ वी हैव हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव द मैक्सिमम आंसर ठीक है यस ओके अब शुभ ये आ गया बस अब नीचे चलते हैं थोड़ा समझ लेते हैं इधर देखिए शुभ देखो तो शुभ मैं जो बोला आपको के कुछ भी हो सकता है जीरो से एन तक
कुछ भी हो सकता है राइट yes. right? और इनिशियल आंसर मैंने कुछ इनिशियलाइज कर दिया और मैं क्या करूंगा शुभ, हर एक पे ट्रैवल करूंगा हर एक पे और देखूंगा इंक्रीमेंट करके क्या इंक्रीमेंट करूंगा शुभ, जो आंसर है उधर का मतलब यस मिनिमम ऑफ जे कम आई, आई क्या शुभ, जे इज द लेंथ, आई इज द वैल्यू ऑफ के, जो कम होगा वही तो इंक्रीमेंट होगा, मिनिमम जे कम आई इनटू एक्स एक्स टाइम्स और उसका आंसर जो है जो उसका आंसर कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंड ये इसका मैं मैक्सिमम मैक्सिमम लूंगा कैंसर वेरिएबल में हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एंड देन सी आउट आई कैन आंसर वन देन एंड जो मैं बोला वही कर रहा हूं राइट right? अगर डीबग करूं एक बार एक केस से शुरू कर देता हूं, अगर मान लो के2 है तो शुरू आप क्या करोगे, आप जाओगे पहले यहां पे तो आप देखोगे क्या है 0 आंसर 1 0 कॉमा मिनिमम ऑफ जे कॉमा आई लेंथ तो 0 है और के2 है तो 0.2 का मिनिमम 0 ही है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट आप बढ़ोगे शुभ आगे इस पे हो जाओगे, इसका आंसर 3 है, 3 प्लस मिनिमम ऑफ 1.2 लेंथ है 1 और के है 2 तो क्या है 1 है और एक्स आपका मान लो 2 है तो 3 प्लस 2 5 तो आंसर अपडेट होकर हो जाएगा 5 बेटर है। फिर आप यहाँ पे आओगे शुभ तो अगर इसका लेंथ है 2 के भी 2 है तो आप मिनिमम दोनों का 2.2 का मिनिमम 2 ही है 2 प्लस 2 इंटू एक्स आपका 2 है तो यह हो जाएगा 6 और इससे 5 से बेटर है तो आंसर 6 आ गया। अभी एट एंड आप इधर आओगे शुभ 3 है इसका आंसर 4 है प्लस सो मिनिमम ऑफ 3.2 क्या है 2 क्योंकि ऑब्वियसली के 2 है तो 2 को इंक्रीमेंट कर सकते हो 2 × 2 = 4 = 8 एंड ये बेटर है शुभ अपडेट हो गया 8 बस। तो ओवरऑल इस कॉरस्पॉन्डिंग के लिए अपना आंसर आ चुका है इधर अपने सी आउट कर देंगे उसको हर बार ऐसे बढ़ते जाएंगे एट एंड सॉल्व इट राइट गाइस इतना ही था आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा शुभ ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर है और क्वेश्चन में दिया हुआ था 5000 तो ये पास कर गया आराम से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद।